बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं की समस्या समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि नगर परिषद ने नंदी गौशाला निर्माण के साथ ही हजारों पशुओं को वहां शिफ्ट किया है, लेकिन आज भी सैकड़ों आवारा पशु शहर के मुख्य बाजारों से लेकर गली मोहल्लों में घूमते नजर आ जाते हैं। इन आवारा पशुओं के हमले से कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि नगर परिषद ने नंदी गौशाला निर्माण के साथ ही हजारों पशुओं को वहां शिफ्ट किया है, लेकिन आज भी सैकड़ों आवारा पशु शहर के मुख्य बाजारों से लेकर गली मोहल्लों में घूमते नजर आ जाते हैं। इन आवारा पशुओं के हमले से कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। नगर परिषद की ओर से आवारा पशुओं की समस्या को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यही वजह है कि आवारा पशु शहरवासियों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। इन पशुओं की लड़ाई का शिकार होकर यहां दर्जनों जने चोटिल हुए हैं, कुछ ने तो अपनी जान तक गंवाई है। मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं की धमा चौकड़ी की चपेट में आकर कई पैदल राहगीर और दुपहिया वाहन चालक हादसे के शिकार हो चुके हैं। शहर के गांधी चौक, राजकीय चिकित्सालय, बस स्टैंड, कलेक्टर परिसर, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, राय कॉलोनी रोड, बेरियो का वास सहित विभिन्न मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं की समस्या मुसीबत बनी हुई है। गांधी चौक, रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड, मुख्य बाजार पर आए दिन आवारा पशुओं की धमा चौकड़ी से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। इन आवारा पशुओं की चपेट में आकर कई राहगीर अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। गत एक साल के दरमियान दर्जनों लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। 90% तो समस्या जो बाड़मेर की जो जटिल समस्या थी, बाड़मेर में जो बेसहारा पशु जो विचरण कर रहे थे, उनको हमने प्लानिंग बढ़ा के और नंदी गौशाला में शिफ्ट किया। वहाँ पे उनके चारे पानी की अच्छी व्यवस्था की, व्यवस्थित तरीके से उसका संचालन किया जा रहा है और बाड़मेर के कई आमजन और प्रभुजन उससे जुड़े सभी पार्षदों का भी सहयोग रहता है और उसकी समस्या से हमें काफ़ी हद तक उसकी निजात मिल गई है। अब कोई पास गांव वाले यहाँ पे चौराहे पे किसी पशु को यूँ छोड़ के जाते हैं, वो कहीं कहीं नज़र आते हैं, जहाँ दो चार भी पशु नज़र आते हैं, उसी वक्त मैं स्वयं पार्षदों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे हमें जानकारी मिलती है, हम हमारी जो टीम बनाई हुई है उस टीम को सूचित करते हैं और उन पशु को ससम्मान वहाँ नंदी गौशाला ले जाकर और शिफ्ट करके वहाँ पर उनके चारे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। नगर परिषद में बेसहारा पशु पकड़ने की अलग से टीम है, इसके बावजूद नगर परिषद आवारा पशुओं की समस्या का हल नहीं कर पाया है। नगर परिषद ने कुछ माह पहले आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान भी चलाया था, लेकिन आवारा पशुओं की भरमार वापस शहर में देखी जा रही है। जगह जगह शहर में पड़े कचरे के ढेर में पशु मुंह मारते देखे जा सकते हैं।